हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर मोबाइल फ्रॉड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप ICER.exam.net की वेबसाइट पर आएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई होगी वही कॉलेज आपका फाइनल है। आप उस कॉलेज को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे और आपको उसी कॉलेज में फाइनली एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होते हैं। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और उसको अच्छे से देख सकते हैं कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को JPG फाइल में कन्वर्ट करके आप कैसे अपलोड करेंगे। सारे डाउट आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना बचे। अगर जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट करें ताकि आप उस डॉक्यूमेंट की जगह एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तब जाकर आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्योंकि उस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये क्लियरली मेंशन रहेगा कि अगर हम फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में अपना डॉक्यूमेंट को नहीं ला पाए तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। तो आपके पास 3 से 4 दिन का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप 3 से 4 दिन के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट को अवेलेबल करवा लेंगे। अगर जिन लोग को भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो आप अपसेट ना हो, आप ICER 2023 का प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। क्योंकि 2023 का एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दी गई थी NTA द्वारा, तो आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 3 से 4 मंथ ही आपके पास है, तो आप अपना तैयारी में लग जाए। आपको नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।